दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमारी पहली खबर भारत और फ्रांस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत और फ्रांस यूनेस्सी में एक नया कारनामा करने जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया न कि बस भारत और फ्रांस की दोस्ती की ताकत देखेंगे, बल्कि ये भी पता चलेगा कि कैसे ये दोनों देश आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। जबकि हमारी दूसरी खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अब चीन के द्वारा बनाए गए फाइटर जेट की घटिया क्वालिटी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने शुरू गए हैं। जानेंगे कि वह कौन सा देश है जिसने चीन के द्वारा बनाए गए फाइटर जेट की क्वालिटी के ऊपर सरेआम सवाल उठा दिए हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों ही खबरों को विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अब ये बात साफ तौर पर कहने वाले हैं कि दो पाकिस्तानी नागरिकों को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। इन दोनों आतंकवादियों के नाम मोहिद्दीन औरंगजेब और अली काशिफ जैन है। दोस्तों भारत ने अब इस बात की पुष्टि कर ली है कि इन दोनों आतंकवादियों का हाथ भारत पर हुए पुलवामा हमले में था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा भारत के ऊपर एक बेहद ही भयानक हमला था और पूरा देश इस हमले से दहल उठा था। भारत ने इस हमले से जुड़े हर एक आतंकवादी के खिलाफ जांच शुरू की और जरूरत पड़ने पर कई आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारा गया, और जो बचकर पाकिस्तान भाग गए उनका पीछा भी भारत नहीं छोड़ने वाला। भारत अब इन दोनों आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना चाहता है, जिसके लिए फ्रांस भी भारत का पूर्ण समर्थन दे रहा है। दोस्तों ज्यादातर संभावना यही है कि अगर चीन भारत और फ्रांस सामने रोड़ा ना बने तो ये दोनों आतंकवादी बहुत जल्द ही वैश्विक आतंकवादी घोषित हो जाएंगे, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में फ्रांस भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। इसी बीच फ्रांस और भारत द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा करने जा रहे हैं। दरअसल फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन पहली बार भारत दौरे पर आने वाली है। इस दौरान वे फ्रांस के कुछ सबसे उच्च अधिकारियों के साथ भारत का दौरा करेंगी, जिससे भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर काम कर सकेंगे। इसके इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और मिलिट्री से जुड़े कई अलग अलग मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों अर्जेंटीना ने अब चीन को बेनकाब कर दिया है। साथ ही साथ अर्जेंटीना ने अपनी रिपोर्ट में चीन के द्वारा बनाए जाने वाले घटिया क्वालिटी के फाइटर जेट और रक्षा उपकरणों के ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं। दरअसल इस साल ही अर्जेंटीना के कुछ अधिकारी चीन के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने चीन द्वारा निर्मित JF-17 फाइटर जेट के ऊपर ध्यान दिया, ताकि इसकी क्षमता का अंदाजा लगाया जा सके। इसके इंस्पेक्शन के दौरान उन्हें काफी सारी खामियां मिली और उन्होंने अर्जेंटीना वायुसेना को जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें ये बात साफ तौर पर कही गई है कि उन्हें इस फाइटर जेट की क्वालिटी पर भरोसा नहीं है। साथ ही इसमें लगे हुए रूसी इंजन भी भरोसेमंद नहीं है। इसके साथ साथ अर्जेंटीना को अमेरिका की तरफ से भी काफी दबाव झेलना पड़ रहा है, ताकि वह चीनी फाइटर जेट को ना खरीदे। दरअसल अर्जेंटीना अपनी वायुसेना के लिए एक छोटी संख्या में फाइटर विमान खरीदना चाहता है, ताकि वह अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कर सके। इसके लिए भारत का तेजस सबसे उन्नत फाइटर जेट बनकर सामने आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका का F-16 फाइटर विमान भी एक काफी अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया हुआ है। लेकिन जहां बात आती है चीन के द्वारा बनाए गए JF-17 फाइटर विमान की, तो अर्जेंटीना ने अब ये बात साफ तौर पर कह दी है कि इस फाइटर विमान की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भरोसे की कमी होने की वजह से अर्जेंटीना JF-17 को नहीं खरीदने वाला, जबकि भारत का तेजस अर्जेंटीना के लिए सबसे उन्नत फाइटर जेट बनकर सामने आता है। भारत के तेजस ने एक बार फिर से चीन के JF-17 को हरा दिया है। वहीं अब ये बात साबित हो चुकी है कि तेजस फाइटर विमान बेहद ही ज्यादा सक्षम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जो कि काफी भरोसेमंद भी है। साथ ही इसकी क्वालिटी भी विश्व स्तरीय है। केवल अर्जेंटीना के टेंडर में ही नहीं, बल्कि भारत का तेजस मलेशिया के टेंडर में भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुका है। मलेशिया ने भी ये बात कबूल कर ली है कि तेजस उनके 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में फ्रंट रनर बनकर सामने आया है, यानी कि तेजस के चुने जाने की संभावना इसमें भी सबसे ज्यादा है। दोस्तों भारत के द्वारा बनाए गए स्वदेशी हथियार जिस तरह से रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत के कदम मजबूत कर रहे हैं, साथ ही भारत जिस तरीके से रक्षा निर्यात के क्षेत्र में निवेश कर रहा है, ये सच में काबिले तारीफ है। भारत ने पिछले कुछ समय में अपने डिफेंस सेक्टर में काफी प्रगति की है। साथ ही अपने प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की क्षमता एक साथ मिलाकर भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और अब वह समय दूर नहीं जब भारत अमेरिका और रूस जैसे रक्षा निर्यातक देश को टक्कर देना शुरू कर देगा, और वह भारत के लिए काफी गर्व की बात होगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की बढ़ती इस क्षमता के लिए और भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।